कंप्लीट कर लेते हैं हम। डाउनलोड करेंगे तो आपको एक्सट्रैक्ट फाइल मिलेगी, जब आप कॉन्फिग करिएगा तो आपको इसके अंदर एक बेसिक कंपोजर होगा, इसके अंदर सारी फाइल होंगी। यहाँ पे कंपोजर मॉडल व्यू बने हुए हैं और भी कुछ फाइल्स हैं जो कि सपोर्टेड हैं, इनकी सर्वर को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। आपको कॉपी करके नहीं डालना है, आप क्या करिएगा, ये जो बेसिक है फोल्डर, इस बेसिक फोल्डर को यहाँ से निकाल के अपने एग्जाम के अंदर जो रूट है यार वहाँ पे लाके पेस्ट करके आप डायरेक्ट अंदर रखिए। हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे कॉपी करना पड़ा, पर आपको ऐसा नहीं करना होगा। अब यहाँ पर इसको स्टार्ट जब आप करेंगे एक्सिक्यूट करिएगा, जो मेरा पेज रन होता है स्टार्टिंग, वो मुझे मिलता है वेब के अंदर इंडेक्स डॉट पी एच टी। वेब के अंदर का क्वेश्चन है इंडेक्स डॉट पी एच टी, ये मेरा फर्स्ट पेज होता है जो कि हम उसकी रन कराते हैं। तो हम करके रन करते हैं,
स्टार्टिंग करने के पहले मुझे एक कॉन्फ़िग फाइल के अंदर वेब नाम की फाइल मिलेगी, इसको ओपन करिएगा। वैलिडेशन की में हमें कोई की पास करनी होती है, आप कुछ भी पास कर सकते हैं किसी टाइप की की। रैम को कौन सा वर्जन यूज करती हैं? पीएचपी 5.5 5.6 ये आपका वाई को सपोर्ट करेगी, उसके पहले के जितने भी हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। बात कर रहे थे इंडेक्स को रंग कराते हैं। ओके, रन हो गया। आप लोग लेटेस्ट वर्जन डाल लीजिएगा, रैम का चल जाएगा। तो यहाँ पे हम कुकी को सेट कर लेते हैं वेब के अंदर, उसको बंद कर देते हैं, प्रोजेक्ट है ओपन कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाकर ये अपना अलग से खुद इंस्टॉल करता है। यहाँ पर कुछ पेजेस मिल जाएंगे आपको एज अ टेम्पलेट, ताकि आप हेल्प मिल सके, जैसे अबाउट का, कॉन्टैक्ट का, लॉगिन का, ठीक है, और आपको क्रिएट अकाउंट का भी होगा। नहीं एक्चुअली क्या है ना कि ये लुक आपको ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि आजकल मोस्टली लोग बूटस्ट्रैप की फाइल यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर परे परे बनाए सब क्लासेस जो होती हैं लुक सबका सेम होता है, सबको ऐसा लग रहा है, पर ये वर्डप्रेस से रिलेटेड नहीं। यहाँ पर नहीं, वर्डप्रेस फ्रेमवर्क नहीं होता, वर्डप्रेस CMS होता है। वर्डप्रेस तो पूरी एक बनी बनाई चीज़ होती ही है, और वर्डप्रेस में हम लोग थीम ऐड करते हैं, उस थीम को बस एडिटिंग करते ही होते हैं। थीम को एडिटिंग करने का पोर्शन जो होता है पूरा वर्डप्रेस में मुझे मिलता है, कि वहीं से ही हम सब कुछ करते हैं, हमें उसके लिए कोई अलग से एडिटिंग टूल भी नहीं चाहिए। वर्डप्रेस ये मेरा टाइप ही काम होता है, हाँ सब कुछ वहीं से मुझे मिलता है। उनका कुछ अपना कोड भी होता है कि हम नॉर्मल कोड की तरह से वहाँ पर वर्क नहीं करते हैं। मैंने बताया ना कि CMS आपको बस MVC यूज करने का पैटर्न है। CMS नहीं, फ्रेमवर्क जो होते हैं वो MVC को यूज करने का एक पैटर्न प्रोवाइड कर देता है।
यहाँ पे आपके सब फोल्डर्स बना के दे दिए होंगे कि ये कंट्रोलर्स का फोल्डर है, जितने भी कंट्रोलर्स आपके आएंगे सब इसके अंदर रखिएगा आप, मॉडल के अंदर मॉडल रखिएगा, व्यू के अंदर व्यू रखिएगा आप, और बाकी आपको जो बनाना है वो आप खुद बनाइए, हम बस आपको एक पैटर्न प्रोवाइड करा देंगे कि आपको यहाँ यहाँ पे सारी चीज़ें रखनी है। सिक्योरिटी जो होगी वो हम खुद अपने साइड से प्रोवाइड करा देंगे, आपको सिक्योरिटी सिक्योरिटी कुछ नहीं करना है। आपको मेलिंग की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे मेल का आपका फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर आपके फाइल कुछ होंगी, यहाँ पे कुछ इनके प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उन्होंने कॉल कर रखा है, और एक जगह आपका होगा पोर्शन जहाँ पे हम मेल किस आईडी से कराना है वो सेट कर देते हैं, और फिर जब भी मुझे कभी मेल वेल करना होगा तो हम इस फंक्शन में कॉल कर लेंगे, वो प्रोवाइड कर देंगे। तो यूँ कहा जाए कि जो फ्रेमवर्क है आपका ये एमवीसी के कंसेप्ट का एक लेआउट प्रोवाइड करा देता है कि आप ये स्टेप है, यहाँ यहाँ पे आप अपने फाइल को रखिएगा और आप यूज करिए, बस इतना करते हैं। और जो सीएमएस होते हैं, सीएमएस कोई बने बनाए एक टूल होते हैं, जैसे कि अगर हम ओपन कार्ड की बात करें तो ये क्या है, पूरी एक वेबसाइट है, पूरा एक वेबसाइट है कम्प्लीट पूरी फंक्शनलिटी के साथ। लोग क्या करते हैं कि सीएमएस को इंस्टॉल करते हैं, वो भी इसी तरह एक टेम्पलेट आपको देंगे, वो इंस्टॉल करने के बाद आप उसका होम पेज की जो डिज़ाइन है वो चेंज कर लीजिए, फुटर वगैरह हेडर वगैरह चेंज कर लीजिए, बाकी पेजेस आप जहाँ चेंजेस करना चेंजेस करके आप अपने पर्पस यूज करिए। ये होता है सीएमएस, पूरी पूरी बड़ी बनाई साइड होती है, बस सिर्फ डिज़ाइनिंग चेंज करना होता है। हाँ अगर थोड़ा मोड़ा फंक्शनलिटी लेंगे चेंज करना है तो थोड़ा चेंज करके आप उसको यूज करिए। और फ्रेमवर्क जो होता है वो वैसा कुछ भी नहीं होता है, फ्रेमवर्क में हम पूरा एप्लीकेशन वगैरह अपलोड कराते हैं, बस एक लेआउट मिल जाता है यहाँ यहाँ पर मुझे सब सामान रखना है। इस फ्रेमवर्क के अंदर यहाँ पर आप देखिएगा एक मॉडल है जिसके अंदर सारे मॉडल्स मिल जाएंगे आपको, अभी फिलहाल तीन मॉडल्स हैं। कंट्रोलर्स हैं जिसके अंदर एक सिंगल कंट्रोलर बनाया गया है साइट नाम का, और व्यू हैं जिसके अंदर कुछ व्यू रखे गए हैं। ठीक है, अब देखिए एमवीसी के अंदर क्या होता है कि सारे फोल्डर्स अलग अलग होते हैं, व्यू अलग होता है, मॉडल अलग होता है, कंट्रोलर्स अलग होता है, लेकिन यहाँ पर सभी को ये पता होता है कि मॉडल्स के अंदर मॉडल नाम का जो फोल्डर है, यहाँ पर हम अगर नाम चेंज कर दिए तो बग बंद, अगर हम मॉडल्स का नाम चेंज कर दिए तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सभी को पता होता है कि मॉडल्स नाम का फोल्डर होगा और उस फोल्डर के अंदर फाइल पड़ी होगी उसकी। ठीक है, इसी तरह सभी को पता होता है कंट्रोलर्स, ये कंट्रोलर्स हैं, कंट्रोलर्स के अंदर ये कंट्रोलर वर्ड जो है, अगर हम इसके पहले की बात करें तो ये लिखा हुआ साइट, ये नाम होता है, साइट नाम होता है, और ये कंट्रोलर्स ये आपका समझ लीजिए कीवर्ड है, हमें इसको हर वक्त लगाना रख पड़ जाएगा। अगर हम कोई नया कंट्रोलर बनाएंगे तो अभी हम वहाँ पे कंट्रोलर वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा होम कंट्रोलर डॉट पीएचपी, तो कंट्रोलर वर्ड का यूज़ करना मुझे ज़रूरी है। ठीक है, अब जो ये नाम होता है साइट, इसी नाम से ही इसके सारे पेजेस बनेंगे। हाँ सही, इसी नाम के फोल्डर के अंदर इसके सारे पेजेस बनेंगे। जैसे आप देखिएगा व्यू, व्यू नाम का फोल्डर है, व्यू के अंदर साइट नाम का फोल्डर है, साइट के अंदर जितने पेजेस हैं वो सारे पेजेस किसके हैं, इस कंट्रोलर के हैं। तो कंट्रोलर नाम क्या है, साइट, यहाँ पे फोल्डर का नाम है साइट, ये नाम सेम रहेगा। अगर ये नाम चेंज हो गया, आपने साइट लिखा साइट बंद कर दिया, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर इस कंट्रोलर को ये पेज नहीं मिल पाएगा। हाँ अगर हम यहाँ पे साइट बंद करते हैं तो इसको भी साइट बंद करना पड़ेगा। हाँ सेम नाम होना चाहिए। ये क्या होता है कि सब बैक में सबको आइडेंटिफाई करके रख दिया गया है। अब किसी भी आपके लिए जावा में भी जाएंगे, डॉट नेट भी जाएंगे, पीएचपी, हर जगह यही कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, कहीं भी आप जाएंगे कंसेप्ट यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसके अंदर देखिएगा आप, मैं कंट्रोलर को ओपन करता हूँ, ठीक है, साइट कंट्रोलर को, ये आपकी क्लास बनी हुई है, इसके ऊपर कुछ यूज़ किए गए हैं पैकेजेस, ये वाई अपने साइट से बनाकर डाला हुआ है। अब मैंने बताया कि तीन फोल्डर हैं हमारे पास, कंट्रोलर, मॉडल और व्यू। अब इन तीनों को हैंडल करने के लिए कहीं ना कोई कुछ ना कुछ कोडिंग भी करनी पड़ेगी, तो हर फ्रेमवर्क अपना खुद का कंसेप्ट लगाकर बनाकर रखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप ये वाई आई, ठीक है, आप यहाँ पर आइएगा रेफरेंस के अंदर, तो रेफरेंस के अंदर सारी आपको डीएलएल फाइल मिलेंगी, रिसोर्स फाइल मिल जाएंगी,
हम इसके अंदर कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसको हम कॉल करा के यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे पैकेजेस यूज किए गए हैं, एक तो वाई आई हो गया, दूसरा है वाई आई के अंदर फिल्टर, फिल्टर के अंदर एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल एक क्लास है जो कि यूज किया गया है। आप जानते होंगे पैकेजेस क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं, इस नंबर ऑफ क्लासेस के अंदर नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं, और हम क्या करते हैं क्लास की हेल्प से उन मेथड को कॉल करा के यूज करते हैं। ठीक है, लेट अस एमबीसी का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत इजीली वर्क कर सकते हैं। फ्रेमवर्क आपको समझ में आ गया, फिर आप देखिए सीमेंस है, फ्रेमवर्क में हर चीज आपको समझ में आ गई। हाँ, बाकी जो कोड होते हैं वो तो अलग केस है कि उन्होंने कोड किस तरह से यूज किया है, उदाहरण कहाँ से घुमाया है, वो अलग केस होता है। लेकिन पैटर्न अगर समझ में आ जाता है तो हम यूज कर सकते हैं। एक्सेस कंट्रोलर यहाँ पे देखिएगा, एक वाई आई वेब कंट्रोलर, ठीक है, वाई वेब कंट्रोलर इसको भी कॉल किया गया है, और इसी तरह वाई आई फिल्टर, ठीक है, वेब फिल्टर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके प्री डिफाइंड यूज़ होती हैं। ठीक है, अब कुछ और भी यूज़ किए गए हैं, जैसे ऐप्स के अंदर मॉडल्स, मॉडल्स के अंदर लॉगिन फॉर्म, ये क्या है, ये आपका मॉडल्स के अंदर का लॉगिन फॉर्म नाम की क्लास जो है उसको भी यूज़ की गई है। इसी तरह कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम की जो क्लास है उसका भी यूज़ किया गया है। ठीक है, यहाँ तक तो आपके ये जो हैं आप प्री डिफाइंड जो होते हैं और इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इस तरह ये भी है, आपको प्री डिफाइंड है, इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हैं। कंट्रोलर इसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं कर सकता है, जैसे वाई आई नाम से ना, इसके अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब इसके नीचे के जो पोर्शन है यहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं, ये हम अपना भी जब भी बनाएंगे क्लास तो वो भी इसी तरह से हम ऐड करेंगे। ठीक है, अभी आप इसको मत समझिए और थोड़ा नीचे आइए। यहाँ पे एक साइट कंट्रोलर नाम का क्लास बनी हुई है जो कि हमारे उसी नाम से है जिस नाम से मेरा पेज बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर एक्सटेंड किया गया है कंट्रोलर को। तो ये जो कंट्रोलर क्लास है जो कि प्री डिफाइन बना के रखी गई है, अब वो इसके अंदर मिलेगी आपको वाई आई वेब के अंदर। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर कंट्रोलर को ये बताया गया है कि ये नाम जो है साइट, इसी नाम से एक फोल्डर बना होगा व्यू के अंदर और वहाँ पे तुम्हारे सारे पेजेस रखे हुए होंगे, तो वो सारी चीज़ें इस कंट्रोलर के अंदर डिफाइन की जाती है। तो हम जब भी कंट्रोलर बनाएंगे तो वहाँ पे हमें इस कंट्रोलर को ऐड करना ज़रूरी है, यानी कि एक्सटेंड करना ज़रूरी है। ठीक है, जब अगर हम एक्सटेंड नहीं करेंगे तो ये कंट्रोलर जैसा बिहेव नहीं करेगा, ये नॉर्मल जैसा पेज जैसा बिहेव करेगा, तो हमें वो फाइल फंक्शनलिटी चाहने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। अब इसके अंदर आइए, अभी ये पोर्शन को आप अवॉइड करिए, बिहेवियर को नीचे आइए, एक्शन इंडेक्स, मैं चलता हूँ इंडेक्स पे। अब जितने भी व्यू होते हैं उन सभी व्यू को साइट कंट्रोलर या कंट्रोलर के अंदर हम डिफाइन करते हैं एक फंक्शन के थ्रू। किस तरह से डिफाइन किया जाता है, पब्लिक फंक्शन एक्शन, एक्शन ये समझिए कीवर्ड है। ओके, ये हर फंक्शन के आगे लगेगा एक्शन, उसके बाद उस कंट्रोलर का सॉरी उस व्यू का नाम, अगर इंडेक्स है तो इंडेक्स, अबाउट है तो अबाउट, कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट, एक्शन ही लिखना होगा। हाँ, एक्शन सभी आगे लगा रहेगा, सबके आगे, हाँ सबके आगे, हर फंक्शन के आगे लगा रहेगा। जितने फंक्शन बनाएंगे उसमें एक्शन का जो है ऐड करेंगे, क्या जितने ही फंक्शन बनाएंगे हाँ उसमें, नहीं नहीं
मेथड इन द सेंस कि जो व्यू को ओपन करने वाले मेथड, व्यू के मेथड दो मेथड, वो नॉर्मल मेथड की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो एक्शन का मतलब क्या होता है कि एक्शन परफॉर्म कराना है, यहाँ पे हमें व्यू पर साइड कंट्रोलर की हेल्प से व्यू पर एक्शन कराना है, तो जितने एक्शन कराने वाले फंक्शन होंगे उन सभी के आगे एक्शन बढ़ रहेगा, बाकी नॉर्मल फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये क्या है, व्यू का नाम है, अगर इंडेक्स है तो इंडेक्स, कॉन्टेक्ट है तो कॉन्टेक्ट, अबाउट है तो अबाउट, उनका पहला लेटर हमेशा कैप रहेगा, चाहे आप अंदर दीजिए या ना दीजिए इससे मतलब नहीं है, पर यहाँ पे कैप आपको रखना होगा, ये सेंटेक्स है। अगर मान लीजिए दो वर्ड का है पेज का नाम, आपने दे दिया यूजर प्रोफाइल, आपने वहाँ पे यू और पी कैप्चर कर दिया, पर ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कैप्चर करेंगे, यहाँ पे सिर्फ पहला कैप्चर होगा यानी कि यू, बाकी पी स्मॉल रहेगा, ठीक है। ये नाम मेंशन करने का पैटर्न होता है, अगर आपने गलती से पी स्मॉल कैप्स कर दिया तो प्रॉब्लम मिलेगी, ओके। एंड देन उसके अंदर हम रिटर्न करते हैं, रिटर्न करते हैं इसको, दिस दिस क्या है, हमेशा अपने ही फंक्शंस को जब हमें कॉल करना होता है तो हम दिस कीवर्ड के थ्रू करते हैं, ठीक है। अगर हम किसी का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं क्लास का, और उस क्लास के थ्रू हमें किसी उसके फंक्शन को कॉल करना होता है तो किस तरह से करते हैं, उस ऑब्जेक्ट, फिर एरो, देन उसका मेथड का नाम, फिर कॉल करते हैं। लेकिन अगर हमें उसी क्लास के अंदर किसी मेथड को कॉल करना है तो दिस कीवर्ड के थ्रू कॉल करते हैं, ठीक है। तो जब हम एक्सटेंड किए हैं कंट्रोलर को, कंट्रोलर को एक्सटेंड करने के बाद इस कंट्रोलर के सारे मेथड क्या इसके अंदर आ गए, इस क्लास के अंदर, अब वो बाहर ही तो रहे नहीं, ठीक है। तो वो जो रेंडर फंक्शन है ये भी उसी का ही है, इसलिए हमने क्या किया है, दिस एरो रेंडर, और फिर उसके अंदर हमें पास करना होगा उस व्यू का नाम, ठीक है। तो व्यू का नाम दो बार यूज होता है, एक यहाँ पर होता है और एक बार यहाँ पर होता है। यहाँ पर जो होता है ये पहला लेटर, पहला लेटर कैप्स रखना पड़ेगा, यहाँ पर आप जैसे जो नाम आप पास किए होंगे वो डाल देंगे, ठीक है, जिस तरह से पास किया उस तरह से आप यहाँ पर डाल देंगे। इस तरह से करने के बाद अब आप जब भी ब्राउजर्स पे जाकर यहाँ पर आप देखिएगा, यह है आपका इंडेक्स डॉट पी एच पी स्लैश साइट, ये होता है आपका फोल्डर का नाम, जो आपका व्यू है जो कि फोल्डर का नाम, उसके अंदर इंडेक्स नाम का आपका व्यू है, यहाँ पे एक्सटेंशन लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, आपका रन होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर हम वेब पे जाकर इसे इंटर करेंगे तो भी यही इंडेक्स रन होगा, ठीक है, यही इंडेक्स रन होगा। ये आपका अभी आप अगर जैम पैम पर करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं डॉट नेट पर कर रहा हूँ, तो डॉट नेट में क्या होता है कि जितने भी इनकी एप्लीकेशन होती है वो हर एप्लीकेशन को नया नया पोर्ट देते रहते हैं, ताकि सारे लोग डिफ्रेंशिएट अलग 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 रहें, एक दूसरे से बच ना हो पाए, ठीक है। तो जो रूट होता है बाय डिफॉल्ट फ्रेमवर्क के अंदर जो रूट डिफाइन किया गया है, अगर बाय की बात करें तो वो किसको रखा गया है, वेब को रखा गया है, ठीक है। वेब के अंदर इंडेक्स डॉट पी एच पी जो मेरा पेज होता है वही रन होता है, उसी के थ्रू मेरे सारे काम होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम स्टार्टिंग लेवल पे ही पूरा पाथ को मेंशन करें, ठीक है, हम वेब पे ही इंटर मार देंगे तो मेरा बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक साइट कंट्रोलर जो है यानी कि इंडेक्स वाला क्वेश्चन वो रन हो जाएगा। अगर आप चाहें अंदर भी जा सकते हैं, अंदर जाने के लिए इंडेक्स डॉट पी एच पी स्लैश साइट फोल्डर का नाम स्लैश, उसके बाद आपका इंडेक्स नाम का जो व्यू है, अगर यहीं पर आप अबाउट दे देंगे, अबाउट अबाउट, ठीक है, इस तरह से यूज होते हैं। अब देखिए ये इंडेक्स मैंने रन करा लिया, अगर इसी इंडेक्स को हम यहाँ से हटा दें, इस फंक्शन को हटा दें, अब हमारे पास व्यू का कम्युनिकेशन टूट गया, साइट कंट्रोलर को अब इंडेक्स के बारे में कुछ पता नहीं। अब हम अगर रन कराएंगे इसे बोलेगा नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, क्यों, क्योंकि साइट कंट्रोलर यानी जो कंट्रोलर जो होता है वही हैंडल करता है व्यू को। तो जब भी ब्राउजर पे रन होता है कोई भी एक्शन, सबसे पहले जाते हैं साइट के पास, यानी कंट्रोलर के पास जाते हैं,
और वहां पर चेक करते हैं कि जो नाम मेंशन किया गया है वो नाम सही है या नहीं है, उसके बाद ही वो रन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन बनाए जाते हैं इसके फंक्शन रिटर्न करते हैं। यहाँ पे देखिएगा फंक्शन के अंदर ये रिटर्न किया गया है, रिटर्न किसको किया गया है, इस व्यू को किया गया है। अगर हम यहाँ से ये हटा देंगे तो रिटर्न होना बंद, ठीक है, रिटर्न नहीं हो पाएगा तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें हर कंट्रोलर के अंदर एक्शन को मेंशन करना जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह मेरे पास और भी है, लॉगिन का है, ये देखिए लॉगिन का है। अभी मैंने बताया था कि कंट्रोलर का काम कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो जैसा कि इंडेक्स पे इसने सिर्फ इंडेक्स को रिटर्न कर दिया था क्योंकि इंडेक्स भी स्टैटिक था, इंडेक्स आपका स्टैटिक था। मान लीजिए आप कोई लॉगिन फॉर्म बनाए हैं, लॉगिन फॉर्म पे आपका टेक्स्ट बॉक्स वगैरह भी है, तो जाहिर सी बात है टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू सबमिट करानी होगी। और हम यहाँ पे कोड जो है वो टेक्स्ट बॉक्स पे नहीं करते हैं, सॉरी उस पेज पे नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये मेरा, अगर कॉन्टैक्ट की बात करें ये मेरा कॉन्टैक्ट का पेज है, ठीक है, इस पेज के अंदर आइएगा, यहाँ पे कुछ स्टैटिक कोड रखे हुए हैं और आप नीचे आइएगा, यहाँ पे फॉर्म बनाए गए हैं और फॉर्म बनाने के फ्रेमवर्क अपना भी कंसेप्ट लगा के क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमें वैलिडेशन वगैरह को कि जो मेरा फॉर्म बनेगा उसमें रिक्वायर्ड फील्ड रहेगी या नहीं रहेगी, तो हर फ्रेमवर्क अपना अपना फॉर्म भी क्रिएट करते हैं। तो हम नॉर्मल फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं और इनके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हीं को ही फॉलो करें, हम अपना एक फॉर्म टैग लेकर उसके अंदर अपना टेक्स्ट बॉक्स वगैरह लेकर कर सकते हैं, ठीक है। ये रन टाइम पे जब कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट होकर सेम वैसा ही मिलता है जैसा होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कहीं भी सबमिट की कोडिंग नहीं होती है, सबमिट वगैरह की लाने जाने की ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्म को ओपन कराने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि अगर इसको हटा दें या फिर सारी चीज़ें डिलीट कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो ये कंट्रोल ऑल मार्क हटा सकते हैं, हटाने के बाद हम यहाँ पर अपना खुद का एक फॉर्म बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, फॉर्म बना सकते हैं। अब क्या होता है कि फॉर्म कम्प्लीट हो जाने के बाद जो मेरा एक्शन बटन पर होता है सबमिट का, जैसे हम एक्शन देते हैं तुरंत क्या होता है, ये साइड कंट्रोलर के अंदर जो आपने एक्शन बना रखा होगा तुरंत वो एग्जीक्यूट होता है, तुरंत एग्जीक्यूट होता है। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग को सोचिएगा, जब हम URL में जाते हैं और यहाँ पर पाथ मेंशन करने के बाद इंटर करते हैं, जैसे ही हम इंटर करते हैं तुरंत क्या होता है, साइड कंट्रोलर यानी कंट्रोलर एक्शन करता है और उसके अंदर हम जो भी नाम मैंने मेंशन किया होगा URL में वो जाके मैच कराता है कि वो व्यू के अंदर है या नहीं है, अगर है तो वो उसको लोड करके देता है, ठीक है। वैसा ही जब हम बटन से सबमिट करते हैं, बटन से सबमिट करते क्या होता है कि तुरंत वो इंफॉर्मेशन सर्वर को सबमिट होती है, जब इंफॉर्मेशन सर्वर को सबमिट होती है तो साथ साथ में देखते हैं कि फॉर्म रिफ्रेश भी होता है, तो जब फॉर्म रिफ्रेश होगा तो क्या होगा, साइड कंट्रोलर कॉल होगा, होगा। तो ऐसा ही यहाँ पर है, जैसे ही हम बटन को सबमिट करते हैं, सबमिट करते ही मेरा साइड कंट्रोलर अगेन कॉल हो जाता है, और जैसे कॉल होता है तुरंत आप इन सभी की वैल्यू को सबमिट करा सकते हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये आप अपना भी बना सकते हैं, यहाँ पर प्रीडिफाइन करा के ये दे देते हैं कि ऐप यूज़र, यूज़र के अंदर इस गेस्ट ये चेक कर रहा है कि अभी कोई बंदा लॉगिन है या नहीं है, ठीक है, नॉर्मली ये है कि उसका लॉगिन का फॉर्म है, ठीक है, वही चेक कर रहा है कि कोई बंदा लॉगिन है या नहीं है, यानी कि नॉर्मली अगर इस गेस्ट यूज़ किया गया है, इस गेस्ट का मतलब कि वो लॉगिन है, जो लॉगिन है तो उसको सीधा सीधा भेजो होम पेज पर। आपने देखा होगा कि हम फेसबुक पर जाते हैं लॉगिन, जैसे URL आते हैं facebook.com, अगर हम लॉगिन आते हैं तो सीधा भेज देते हैं मुझे प्रोफाइल पे, URL एक ही होता है, सीधा भेजता है प्रोफाइल पे, अगर मैं लॉगिन नहीं तो मेरे मुझे लॉगिन, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कंसेप्ट को फॉलो करके बनाया गया है कि अगर वो बंदा लॉगिन है तो ये देखिए चेक कर रहा है कि वो बंदा लॉगिन है या नहीं है, ठीक है, अगर लॉगिन है तो दे देगा होम पे, ठीक है, अगर नहीं तो छोड़ के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा लॉगिन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म नाम का एक मेरे पास मॉडल है जिसमें क्लास यूज हो रही है, उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया गया है मॉडल नाम का, ठीक है।
इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें जितने भी पैरामीटर्स होंगे यानी कि नेम के, ईमेल के, मोबाइल के, जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सारे की वैल्यू को चेक करके हम भेजेंगे वहाँ पर, और वो जाएगा वहाँ पर डेटा को सबमिट कर देगा। डेटा को सबमिट करने के बाद यहाँ पर लिखा गया है गो बैक, ठीक है, वहाँ से सीधा वापस आ जाएगा। वापस आने के बाद फिर मेरा रेंडर कर जाएगा, गो बैक के अंदर ही मेंशन होगा जहाँ पे उसको जाना है, क्योंकि लॉगिन कराने के बाद मुझे होम पे भेजना होगा, वो अंदर पड़ा होगा वहाँ पे होम पे भेज देगा वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे लॉगिन का काम कैसे होता है ये ध्यान से देखिएगा। पहले तो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ये तो इसको जानने के पहले आप पहले थोड़ा सा देख लेते हैं बॉर्डर को कि बॉर्डर कैसे बना है। आप चलिए बॉर्डर के अंदर, और अगर हम किसको देखते हैं, लॉगिन को देखते हैं, तो लॉगिन का मॉडल यहाँ पर नहीं बना होगा। अब लॉगिन के नीचे आ गए आप कॉन्टैक्ट पर सोच लीजिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट भी कुछ ऐसा ही है, बस यहाँ पे है कि वो चेक नहीं करेगा कि वो लॉगिन है या नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी बनाया गया है ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम कॉन्टैक्ट को ओपन कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म को देखिए। अब फ्रेमवर्क क्या करता है कि खुद से कोड को जनरेट करता है, जैसे कि मुझे लॉगिन का फॉर्म बनाना था या कॉन्टैक्ट का फॉर्म बनाना था या रजिस्ट्रेशन का बनाना था, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कोड जनरेट करने का। हम खुद से भी बना सकते हैं, कोड जनरेट भी करा सकते हैं, दोनों ऑप्शन होता है। कोड जनरेट कराने के लिए मुझे क्या करना होता है, यहाँ पर आपको GII टाइप करना होगा, ठीक है। ये आ गया मॉडल जनरेटर, स्टार्ट करेंगे आप। अभी डेटाबेस कनेक्ट नहीं है, इससे यहाँ पे एरर आ रही है, अभी आप इसको रहने देते हैं। यहाँ से हम जनरेट करा सकते हैं, ठीक है। चलिए जब हम जनरेट कराते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सारी टेबल की फील्ड के जो नाम होते हैं ना, उस नाम से वेरिएबल किए जाते हैं, बॉडी, वेरीफाई, ठीक है। ये सारे कौन से नेम हैं जो हमारे टेबल्स के अंदर कॉलम के नेम होते हैं, इस नेम से यहाँ पर ये सारे वेरिएबल ऑटोमेटिक बन जाते हैं। और फिर अंदर ऑटोमेटिक कुछ क्लासेज, सॉरी कुछ फंक्शन बन जाते हैं। ये देखिएगा रूल नाम के फंक्शन है, यहाँ पे एट्रीब्यूट लेवल नाम का एक फंक्शन है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। इस तरह से कुछ अपने आप फंक्शन भी बन जाती हैं, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं साइट पे वापस, यहाँ पे इसी कॉन्टैक्ट फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाया गया है। इस कॉन्टैक्ट फॉर्म का, इस कॉन्टैक्ट फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाया गया है मॉडल नाम का। अब यहाँ पर मॉडल के लोड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मॉडल के लोड फंक्शन। यहाँ पे लोड फंक्शन आपका यूज नहीं हो रहा है, तो लोड फंक्शन आपका ये कहलाएगा पूरा जो मेन है, यानी कि हम इन सभी की बात कर रहे हैं, ठीक है। लोड फंक्शन बनाया नहीं गया है, मॉडल के लोड का मतलब ये हुआ कि ये पेज को ही कॉल करना, पूरा पेज को कॉल करना। अब लोड को कॉल करके यहाँ पर yi डबल कॉलन x फिर रिफ्रेश पोस्ट, ये होता है चेक करने का तरीका। अगर आपको ये चेक करना है कि आप लोग देखते हैं बटन पर सबमिट करते हैं, चेक करते हैं इस सेट के अंदर हम लोग ब्रैकेट के अंदर डालते हैं डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और चेक करते हैं कि उसने बटन को सबमिट किया है या नहीं, चेक करते हैं। पर यहाँ पर चेक करने का तरीका अलग होता है, यहाँ पर चेक करने का ये तरीका होता है वाई, ठीक है, डबल कॉलन एस, उसके अंदर आप चेक करेंगे रिक्वेस्ट के अंदर आप पोस्ट को चेक करेंगे, ये रिटर्न करेगा ट्रू इसलिए कि आपने सबमिट कर दिया है, अगर फॉल्स इसका मतलब वो आपने सबमिट नहीं किया, ठीक है। उसके आगे एंड करके फिर से कुछ चेक किया जा रहा है मॉडल कॉन्टैक्ट के अंदर yi ऐप के अंदर परम एडमिन ईमेल, ठीक है। एडमिन ईमेल ये चेक कर रहा है कि उसने ईमेल आईडी को डाला है या नहीं डाला है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट का है और कॉन्टैक्ट के काम जो है वो ये है मेल को देखना। जाहिर सी बात है मुझे मेल जो है वैलिडेशन है, यानी कि मेल का होना जरूरी है, ठीक है। तो वो दो चीज़ें चेक कर रहा है, आप खुद भी चेक करा सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है।
मैंने बेसिक पे चेक किया, एक तो बेसिक चेक कर लिया जितना उसने फॉर्म को सबमिट किया या लेट किया, बेसिक चेक करने के बाद अंदर क्या करते हैं, सेशन सेट स्लैश, सेट स्लैश नाम की इनकी अपनी पर्सनल की क्लास है, कोई यूज कर रहे हैं और इसके अंदर पास कर दिया है कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिटेड, ठीक है। इतना करने के बाद वो वापस से उस पेज को रिफ्रेश कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है, कुछ फंक्शन बना लिया है, रिफ्रेश के, गो बैक के, गो होम के, इसमें फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। और एक वो काम दिखाई देता है, रिफ्रेश काम होता है पेज को रिफ्रेश कर देना, रिफ्रेश करते ही क्या होता है, खाली हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। गो बैक वापस जाने के लिए होता है, गो होम होम पे जाने के लिए होता है। अब होम पे जाने के लिए तो आपको यूआरएल चाहिए होगा, बाय डिफॉल्ट यूआरएल को पता होता है, पर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ फंक्शन बना दिए जाते हैं और यहाँ से वो सारे काम मेरे हो जाते हैं। लेकिन हम इनके कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करके हम खुद का अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा सुटेबल होगा, ईजी होगा, ठीक है। जब हम अपना पेज बनाएंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें देखेंगे। तो पहले मैं आपको जो बताना चाहता था कि कम्युनिकेशन किस तरह से हो रहा है वो आपको समझ में आया, कंट्रोलर व्यू और मॉडल, कि कंट्रोलर ने ही दोनों को एक्सेस किया, व्यू को भी, कौन सा व्यू रन होगा, और दूसरी चीज की मॉडल को वैल्यू देनी है, तो यहाँ से हम मॉडल तक वैल्यू को पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो ये काम मेरा कंट्रोलर से है। कंट्रोलर का नाम ही है कंट्रोल करना। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको एक छोटा सा व्यू क्रिएट करके देता हूँ, आप अच्छे से समझ सकते हैं। व्यू क्रिएट करने के लिए आप किसी भी व्यू पे जाइए, मैं ले लेता हूँ अबाउट को, कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, इसका नाम चेंज कर लेते हैं, इसका नाम कर लेते हैं प्रोफाइल, इस व्यू को ओपन करते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर इस प्रोफाइल के अंदर ऊपर टॉप पर यूज हो रहा है कुछ YI हेल्पर के अंदर HTML, ये पैकेज यूज कर रहा है, ये भी प्री डिफाइंड पैकेज है। ये पैकेज क्या करता है कि ये HTML के कोड को प्रोवाइड करा देता है, कि HTML के जितने भी टैग्स वगैरह हैं वो सब प्रोवाइड करा देता है फॉर HTML, ठीक है, हेल्पर HTML। उसके बाद हम नीचे एक यूज़ कर रहे हैं दिस टाइटल। अब जब हम HTML को यूज़ करते हैं तो HTML के अंदर कुछ बने बनाए फंक्शन भी हैं, जैसा कि टाइटल, ठीक है। अब टाइटल पर हमें सेट करना होता है कि हम टाइटल क्या रखना चाहते हैं इस पेज का, हम यहीं पे रखेंगे क्योंकि हर व्यू का अपना एक टाइटल होगा, प्रोफाइल का अलग, कॉन्टैक्ट का अलग, लॉगिन का अलग, तो हम टाइटल यहाँ से सेट करते हैं, ठीक है। यह हुआ असाइन करने का तरीका। फिर उसके बाद हम दूसरे स्टेप में, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरे स्टेप में फिर से दिस परम, अब यहाँ पे है आपका ब्रेड क्रम्स, ये आपका की है और ये आपका पूरा एरे टाइप का है, इसकी ये की है और उसमें हमें पास करना होगा जो अपना टाइटल मैंने सेट किया था उसको, यहाँ पे हम पास कर देंगे। अब ये जो है मेरे टाइटल को सेट कर देगा, अगर यहाँ से ये हटा दें तो मेरा टाइटल शो होना बंद हो जाएगा, जो मेरा ये टाइटल क्रिएट हो रहा है रन टाइम पे। अब देखिएगा ये टाइटल, ठीक है, माई बाई एप्लीकेशन, ये टाइटल कहाँ से क्रिएट होता है, इन दोनों की हेल्प से। आप चाहे तो यहाँ पे खुद पर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहीं पर ले लीजिए टाइटल, आप डाल लीजिए, वो भी सही है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पेज के टाइटल से, हाँ पेज के टाइटल को जैसे होता क्या है ना कि अब यहाँ पर देखिएगा हेडर पोर्शन नहीं है, ना ही यहाँ पर फुटर है, यहाँ पे मेरा बस छोटा सा नॉर्मल सा कोड रख दिया गया है, जो चीज़ हमें यहाँ पे शो करा रही थी। अगर हम बात करें अबाउट की, ये मेरा अबाउट है, यहाँ पर देखिएगा बस ये कोड आ रहा है, ठीक
ये कोड हम यहाँ पे सेट किए हैं, तो लेकिन इसका हेडर फुटर तो कहीं ना कहीं होगा। अगर अब हमें क्या करना है कि हमें जो हेडर के अंदर टाइटल होगा वहाँ पे ये टाइटल पहुँचाना है, इसलिए यूज किया जा रहा है इसका, क्योंकि हमें वहाँ तक पहुँचाना है। अगर नेम पे टाइटल यूज करेंगे शो तो हो जाएगा लेकिन वो पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं रहेगा, तो प्लेस तक पहुँचाने के लिए इसका यूज। अब यहाँ पर ये तो टाइटल होगा, उसके बाद क्या है, मैंने एक ड्यू ले लिया गया है, यहाँ पे प्रीडिफाइंड क्लास लगी हुई है टाइप अबाउट नाम की, इसके अंदर हेडिंग वन, हेडिंग वन के अंदर हम उसी टाइटल को ही शो करा रहे हैं। ठीक है, आप उसी टाइटल को शो करा सकते हैं, अगेन कॉल करके कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी टाइटल को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है इस तरह से, आप चाहे तो इसको यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से हटा के आप अपना खुद का लिख लीजिए जो भी लिखना है, प्रोफाइल माई प्रोफाइल डाल दीजिए। अब यहाँ पे जो कुछ कंटेंट है, कुछ कंटेंट हटाते हैं, उसके नीचे यहाँ पर कोड नाम का एक टैग है, उसके अंदर इन्होंने कुछ कोड को कॉल किया है, आप देखिएगा। ये मेरा ड्यू है रैप नाम का, नेविगेशन फुटर, ये कंट्रोलर के अंदर आइए, बेस्ट साइड अबाउट, ये साइड अबाउट वहाँ पे जो था साइड अबाउट, अभी इसके ऊपर का सब छोड़ दीजिए, आप सिर्फ साइड अबाउट की बात करते हैं लोग। इस साइड अबाउट में क्या है, यहाँ पे आपका जो हेडिंग थी वो हेडिंग आ रही है, ये आपका पैराग्राफ आ रहा है, ये कोड था कोड आ रहा है, कोड के अंदर एक छोटा सा कुछ यू आर एल्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये यू आर एल यहाँ पर शो हो रहे होंगे, ये यू आर एल आ रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट इन्होंने शो करा दिया है, ऐसा शो कराने की ज़रूरत नहीं होती है, इस तरह से हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये हेल्पर ही पेज होते हैं, इसके लिए कुछ इस तरह रख लेते हैं ताकि उनको हेल्प समझ में आ जाए। तो वो अगर आपको कभी भी ये चाहिए कि हमारे पेज पेज का फुल यूआरएल, तो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर आपको अपने पेज का फुल यूआरएल कभी भी चाहिए होगा तो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, ये हमेशा अपने पेज का फुल यूआरएल रिटर्न करता है इस तरह से, ओके। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है। अब हम प्रोफाइल को रन कराते हैं यूआरएल पर, प्रोफाइल अभी क्या है, मैंने साइट कंट्रोलर में मेंशन नहीं किया है, क्या बोलेगा, पेज नॉट फाउंड, देखिए प्रोफाइल को इन्होंने सीधा भेज दिया है लॉगिन पर, सॉरी इंडेक्स पे भेज दिया है, इन्होंने उठाया ही नहीं है, ले लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी कुछ ऐसे पेजेस आ जाते हैं, तो एमबीसी या यहाँ पर वायरल उन्होंने क्या कर रखे हैं कि अगर गलती से कोई पेज बन जाता है तो हम क्या करते हैं कि उस पेज के प्लेस पे इंडेक्स पेज हम शो करा सकते हैं, यानी कि बैकग्राउंड में रिडायरेक्ट कर देते हैं इंडेक्स पेज को, लेकिन अभी आप इस तरह से मेंशन किया मैंने, अगर आप इस तरह से मेंशन कर दीजिए यहाँ पर तो ये आपको वर्क करने लगेगा, लिखे आगे नॉट फाउंड का इस तरह से। अब हम चलते हैं साइट के अंदर और यहाँ पर हम इस अबाउट को कॉपी पेस्ट करते हैं और नाम चेंज करते हैं, एक्शन वर्ड तो रहेगा, अगर हम एक्शन वर्ड को हटा देते हैं, देखिएगा मैं लिख लेता हूँ प्रोफाइल, ओके, और यहाँ पे प्रोफाइल रन कराते हैं, अभी बोला नॉट फाउंड क्योंकि हमने उसका एक्शन यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मुझे एक्शन का मेंशन करना ज़रूरी है, मैंने मेंशन कर लिया एक्शन, अब हम रन कराते हैं, ठीक है। अगर हम गलती से इस
नाम को हम स्मॉल पेट में, अब देखिएगा नॉट फाउंड, तो हमें जो नेम है ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम इसको स्मॉल करते हैं तो प्रॉब्लम है, तो जो मेन चीज़ है वो क्या होती है मेरी, ठीक है, इसको होना सही है, बाकी हम अंदर को स्मॉल या कैप कर लें तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यू आर एल कैप भी हो सकता है स्मॉल भी हो सकता है, इसको प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। सर अगर टेक्स्ट डेकोरेशन करनी हो तो कहाँ पे क्या टेक्स्ट डेकोरेशन जीएसएस डेकोरेशन, हाँ टेक्स्ट डेकोरेशन, अब देखिए अभी आप पहले देख लीजिए समझ जाएंगे फिर आप, अभी अब देखिएगा कि यहाँ पर जो मेरी प्रोफाइल्स के हैं इतने क्वेश्चंस, अब जो हेडर और फुटर है वो सब कहाँ पर मेंशन किए जाते हैं या किस तरह से रखे जाते हैं वो देख लीजिए। हम वेब के अंदर जाएंगे, जब इस वेब के अंदर आपकी सीएसएस फाइल पड़ी होगी, ये सीएसएस असेट्स के अंदर, असेट्स के अंदर फाइल नहीं है अभी, और आप व्यू के अंदर आइए, ठीक है, व्यू के अंदर आप लेआउट के अंदर आइए, व्यू के अंदर लेआउट के अंदर आपका मेन नाम का एक पेज मिलेगा मेन डॉट पी एच पी, मेन डॉट पी एच पी पर ही हम हेडर और फुटर सेट करते हैं, और जितने भी मेरे क्लासेस या जे एस यूज़ होगा सब मेन पर ही रहती है, व्यू पेज से तो सिर्फ हमारे वो चीज़ होती है जो चीज़ शो करती है, हाँ व्यू पेज होते जो भी वो बीच के कंटेंट पेज होंगे, हाँ सिर्फ बीच के कंटेंट जो चेंजेस होंगे जो चेंज होते होंगे, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिएगा इस मेन डॉट पी एच पी पर हम पहले कुछ यूज़ किए गए हैं क्लासेस वगैरह, उसके बाद आप नीचे आइए, यहाँ पर असेट ऐप असेट नाम का एक ये क्लास है, इस क्लास का रजिस्टर नाम का फंक्शन यूज़ किया गया है, और यहाँ पे दिस कीवर्ड पास किया गया है, तो ये क्या करता है कि हर वाई आई ने क्या किया है कि जितने भी इनके पेजेस होती हैं सारे पेजेस पे ये खुद का क्लासेस बनाकर यूज़ करते हैं, तो जो ये असेट नाम दिया गया है इस असेट के अंदर आइएगा आप, ये वेब के अंदर असेट नाम के अंदर, यहाँ पर मेरे सारे ऑटो जनरेटेड क्लासेस आती हैं। ऑटो जनरेटेड क्लासेस किस तरह से आती हैं, यहाँ पे शायद क्रिएट हुई होगी, देखिए कुछ क्रिएट हो चुकी है, वहाँ पे शो नहीं हो रही है पर एक्चुअली फोल्डर के अंदर क्रिएट हो चुकी है। देखिए होता क्या है कि आपने वो वर्डप्रेस अभी आपने नहीं पढ़ा है, ये लोग क्या करते हैं जितने भी फ्रेमवर्क होते हैं या जैसे इमेज भी होती हैं, ये लोग क्या करते हैं कि जब मेरा फॉर्म रन होता है, फॉर्म रन होते ही जितने भी यूज़ वाली सी एस एस होती हैं, यूज़ वाले जे एस होती हैं, उन सभी का एक बैकअप बनता है, उन सभी का एक बैकअप बनता है, और जितनी फालतू चीज़ होती हैं उसको छोड़ दिया जाता है जो अनयूज वाली चीज़ें होती हैं, दोबारा जब भी पेज रन होता है वो उसी बैकअप का ही यूज़ करता है, बाकी जो है डिस्ट्रॉय उन लोगों को छोड़ देता है, ये सबसे बड़ा बैकअप रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब मेरा पेज लोड होगा तो वो बैकअप बनाएगा, और उस बैकअप जो बनकर आएगा अगेन 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 उसी बैकअप का ही यूज़ करेगा, तो ये जो काम किया जा रहा है ये वाला यहाँ तक ये उसी बैकअप को यूज़ करने का तरीका है, पैटर्न है, ठीक है, कि जो मेरा बैकअप क्रिएट होगा वही बैकअप दोबारा यूज़ होगा। अगर हम इसको डिलीट कर दें, ठीक है, मैंने इन सभी को हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब जैसे ही हम अगेन रन कराएंगे तुरंत बैकअप क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट हो गया, ठीक है। और इन बैकअप के अंदर आप आइएगा, देखिएगा यहाँ पे कुछ जे एस फाइल पड़ी हुई है, इसके अंदर भी कुछ सीएसएस पड़ी हुई हैं, ये सीएसएस हैं, फॉन्ट्स हैं, जेएस हैं, कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है फ्रेमवर्क वगैरह के लिए सर, कि आप जितनी अनयूज वाली चीज़ें होती हैं उसको छोड़कर जितनी यूज वाली चीज़ें होती हैं उसी का ही दोबारा यूज होता है, इसलिए मेरा पेज लाइट रहता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर बिगिन पेज, पेज बिगिन जो यूज़ हो रहा है ये आपका प्री डिफाइंड बना हुआ फंक्शन है
और इस फंक्शन को के अंदर हम जितने भी सी एस एस जे एस होते हैं उनका लिंक कर देते हैं, बिगिन फंक्शन के अंदर लिंक करते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे ये है आपका बिगिन का चीज, मेटा टैग और ये सारी चीज़ें हैं, मेटा टैग वगैरह, टाइटल, लिंक, डाटा को छोड़ दीजिए, टाइटल तो वहाँ से क्रिएट हो जाता है, लिंक, ठीक है, ये सब पूरा वहाँ से बिगिन कराए गए हैं, ठीक है। बिगिन करा के वो उठा के आते हैं, देखिएगा यहाँ पे साइट, ये जो आपका बना हुआ था सी एस एस साइट डॉट सी एस एस वो भी उठ के आ रही है, वो स्टेट डॉट सी एस एस, ठीक है। हमने कहीं कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने बिगिन स्टार्ट किया है। हाँ, अब बिगिन के अंदर कौन कौन से सी एस एस आनी है नहीं आनी है वो हम अंदर डिफाइन कर सकते हैं, जाकर नहीं यूज़ करना है बिगिन को आप हटा सकते हैं, आप बिगिन को यहाँ से हटा दीजिए, आप यहीं पे खुद से अपना बना के सी एस एस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर तो आप यहाँ पर ये जो आ रहा है आपका फिर को आप इसके अंदर के सारे कॉपी कर लीजिए, वो ला के आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। टाइटल को जाने दीजिए, उसकी काटो भी हट जाएगा, बाकी इसको और सी एस एस को हटा सकते हैं आप, नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं आई। और यहाँ पे देखिएगा ऑटो जनरेटेड वाली जो चीज़ें थी मैंने इसको हटा दिया था, नीचे वाला कंटेंट मैंने रिमूव कर, नहीं यहाँ पे ऑटो जनरेटेड, अच्छा ये ऊपर वाला जो, अच्छा वो मैंने हटाया नहीं है, वो क्रिएट कर दिया, बाकी ये सारी चीज़ें वही है, ठीक है, जो मैंने डाला था। अच्छा अच्छा वो कोड जनरेट हो गया ना, ये देखिए आप असेट्स के अंदर ये कोड वाली फाइल को वो उठा रहा है, तो ये हटानी है, इसकी वजह से आ रहा है, लेके आ रहे हैं क्या? चलिए अच्छा आप जा रहे हैं, चलिए कल देखते हैं, ठीक है।